कि सेवा के क्षेत्र में हम सबको जानते हो कोविड का कालखंड जब वैक्सीन बना रही थी हमारी सरकार अपने वैज्ञानिकों के सहयोग से जनता के समर्थन से किस प्रकार से कांग्रेसियों ने हमारे वैक्सीन पर प्रश्न चिन्ह लगाने का कहा था ये गेरुआ वैक्सीन है, ये बीजेपी का वैक्सीन है, लेकिन देश की जनता ने पूरी तरह से समर्थन देते हुए 210 करोड़ वैक्सीन आम लोगों के लिए सुलभ, दुनिया का पहला तेजी से बड़ा आकार वाला और सबसे पहले और सबसे विस्तार से हम कहते हैं जमीन तक पहुंचाने वाला नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वैक्सीनेशन करने का काम किया। आज भी हम कह सकते हैं दुनिया के अंदर हम सब लोग कोविड के वैक्सीन लिए, तीन तीन वैक्सीन लिए, और वैक्सीन जब लेते हैं तो तुरंत डिजिटल मोबाइल में उसकी सर्टिफिकेट आती है। दुनिया का कोई ऐसा देश कितना भी विकसित देश हो लेकिन आज तक वैक्सीन निःशुल्क नहीं लगाया, और निःशुल्क लगाया पैसे पर भी लगाया और उसकी सर्टिफिकेशन के लिए तुरंत नहीं बल्कि हार्ड कॉपी में लेकर घूमना पड़ता है। ऐसा 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया तो हम सब कह सकते हैं कि कोविड का काल खत्म हो। यूक्रेन सहित अन्य देशों से हमारे जो भारतीय फंसे थे यूक्रेन और रूस के युद्ध में बुलाने का काम किया, लीबिया ऐसे कई युगांडा ऐसे कई देशों से स्वच्छता मिशन और नमामि गंगे के माध्यम से सेवा के क्षेत्र में हमारी प्रतिबद्धता। और आप सब कोई जानते हैं जब कोरोना का कालखंड चल रहा था सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता क्वारंटाइन में थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने दल को अपनी पार्टी को सेवा ही संगठन के माध्यम से समाज के बीच में सेवा का संकल्प लेने का काम किया। यह कोई छोटी बात नहीं। आज दुनिया के कई शोधकर्ता भारतीय जनता पार्टी के इस काम पर शोध कर रहे हैं। गरीब कल्याण के लिए हम कह सकते हैं कि आवास, अब कोई मकान कोई गरीब के हाथ में जब चाबी जाती है तो पक्के मकान और वो लखपति बनने का काम करता है, और इसलिए करता है कि उन्होंने उस गरीब ने अपना योगदान दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। इसलिए गरीबों के द्वारा किया हुआ समर्थन, मध्यम वर्गों के द्वारा किया हुआ समर्थन नरेंद्र मोदी जी से आज हम कह सकते हैं जो उम्मीद लगाई थी उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। जनधन योजना हो, उसी प्रकार से जनजाति, हम खासकर ट्राइबल क्षेत्र के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि जब जब बीजेपी की सरकार रही है केंद्र में और राज्य में, जनजाति समाज का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम हुआ है दोस्तों। जब अटल जी की सरकार थी तो अलग मंत्रालय बना, संथाली भाषा को 9वीं अनुसूची में शामिल करने का, 8वीं अनुसूची में शामिल करने का काम किया था। और 2014 के बाद जब हमारी सरकार आई तो हमारी सरकार ने जो पिछली सरकार का बजट था उससे 100 गुना ज़्यादा बजट केवल ट्राइबल वेलफेयर को लगाने का काम किया। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती हम मनाते हैं। पहले लोग झारखंड तक ही लोग जानते थे, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनजाति गौरव दिवस को इसको घोषित करते हुए हम कह सकते हैं कि पूरे देश में बल्कि दुनिया में भगवान बिरसा मुंडा को, इसलिए करप्शन, जीरो टॉलरेंस करप्शन, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि देश तब आगे बढ़ेगा, विकसित तब होगा जब भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा। हम सब कोई जानते हैं कि राजीव गांधी क्या रोना रोते थे, क्या विधवा विलाप करते थे कि हमारे सरकार जब कांग्रेस की सरकार एक रुपया बेचती है तो 85 पैसे बिचौलिए खा जाते। कुछ बातें तो उन्होंने नहीं कहा कि 85 पैसे जो बिचौलिए खाते वो कांग्रेसी नेता लोग खा जाते, कांग्रेसी दलाल खा जाते थे। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी एक रुपया बेचते हैं तो सीधा एक रुपया आता है। ये प्रधानमंत्री जी की जो प्रतिबद्धता है देश के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, उन्होंने स्पष्ट किया है दोस्तों।
हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, रेलवे कनेक्टिविटी हो, और तो और वाटर कनेक्टिविटी को भी आगे बढ़ाने वाली सरकार का नाम है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। इसलिए डिजिटल इंडिया से आज आम आदमी को जोड़ा गया है दोस्तों। आज आम आदमी गवर्नेंस के मामले में पारदर्शिता के साथ मोबाइल में अपने कई चीजों को कर सकते हैं। अब हम कह सकते हैं डिजिटल पेमेंट के संदर्भ में पूरे दुनिया का 40% डिजिटल पेमेंट केवल भारत करता है। ये है भारत, नया भारत। इसलिए मुझे नहीं कहना है कि हम सब लोगों ने कार्यक्रम बनाया है जिसको प्रदीप जी ने व्याख्या किया है विशेष रूप से, हम सब लोग मिलकर के एक श्रेष्ठ भारत, सर्वश्रेष्ठ भारत और दुनिया का सबसे बेहतर विकसित भारत बनाने का संकल्प नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लिया है।